नॉस्टैल्जिया तो बहुत लगता है, क्योंकि पता नहीं ज़माना हुआ मुझे तेंदुलकर साहब से मिले, इतनी मैं मिलती भी नहीं थी, इतनी मेरी हमारी कुछ इतनी इंटरेक्शन नहीं थी, लेकिन जो भी थी बहुत बहुत सही थी। क्योंकि पहली बार मैंने जब नाटक किया तो उन्होंने एक ही लाइन बोली मुझे, और वो है तू डायरेक्टर आहेस, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर अ न्यू डायरेक्टर। दूसरी चीज़ मैंने दूसरा, जब मैंने पहला कमर्शियल नाटक किया तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, हालांकि मैं इतनी मेरी नहीं थी इतनी इंटरेक्शन उनके साथ, और मैं चिल्लाई क्योंकि मुझे क्या पता उस तरफ तेंदुलकर साहब होंगे, बिल्कुल भी नहीं आइडिया थी। तो उन्होंने कहा लवकर बोला पटकन बोला कहाँ गया है, कौन बोलते हैं, यानी सर विजय तेंदुलकर। एंड देन अगेन ही सेड कि बहुत अच्छा नाटक किया है तुमने, और मैंने उनको कहा कि मुझे पहली बार पता चला मेलोड्रामा में कितनी ताकत है। तो वो बोले सही है, अगर सही ढंग से किया जाए तो मेलोड्रामा में बहुत ताकत है। तो ये जो दो लाइनें हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो मुझे लगता है आज कि क्यों नहीं मैं ज़्यादा इंटरेक्ट किया हूँ उनके साथ, क्यों मैं अपनी धुन में थी, या मुझे नहीं लगा कभी। अभी इन सब के एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे उनके साथ जो के बारे में, आज के खास मौके पर जो उनका ऑडियो रिलीज किया गया, जो उनकी बुक थी जो बहुत ही ज़्यादा जो है लोग पसंद किया गया, जो उनके फ्रेंड्स उनके नाटक को, सर क्या कहना चाहेंगे सर उस बारे में? अब जब मैं बाकी लोगों को सुना तो मुझे महसूस हुआ कि जितना हम जानते तेंदुलकर के बारे में उससे ज़्यादा हम नहीं जानते। तो समझ बढ़ गई समझ, और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो बहुत कम बोलते थे, लिखते ज़्यादा थे। उनको समझना है तो सारा उनका लिखा हुआ फिर से पढ़ना होगा, और अस्तित्व के जो अनेक स्तर होते हैं, तो एक लोअर डिनोमिनेटर भी होता है हर आदमी का, जिसके उनको खाना पीना होता है, मुझे भी खाना पीना होता है, तेंदुलकर नींद तो उन्हें आती है, उनका भी संसार है। तो इसलिए आदमी की समझ क्या होती है, तो जो दिखाई पड़ता है आदमी वो नहीं है, क्योंकि वो तो कॉमन है सबके। जो आदमी दिखाई नहीं देता वो उनको दिखाई देता। तो अगर समझना है तो उनकी आंखें नहीं सिर्फ, उनकी मन की जो आंखें वो अगर आ गई तो ये हमारे साइकेट्रिस्ट ज़्यादा समझदार हो जाएंगे। किताबों से तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है ये समझना है तो पहले वो पाठ्य पुस्तकों से इंफॉर्मेशन लीजिए और फिर तेंदुलकर पढ़िए, तो आपको समझ आएगा वहाँ क्या लिखा है। सर आपके आपकी जो स्टार्टिंग फिल्में थी वो ज़्यादातर बेस थी सर के स्टोरीज पे, प्लेस पर, जैसे जय सामना सर की फिल्में, ये जानना चाहते हैं कि कितना एक आपका बॉन्डिंग इमोशनल टच था विजय तेंदुलकर सर से। वो आपके मास्क है ना, तो मुझे समझ में नहीं है आपने क्या। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आपकी जो स्टार्टिंग कैरियर हुआ था फिल्मों का, वो सामना जैसे जो बड़ी फिल्मों से हुआ था, उसे लिखा था विजय तेंदुलकर सर ने, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप फील करते हैं, और आज एक तरह से ट्रिब्यूट दिया जा रहा है ऑडियो फॉर्म में उनके प्लेस को, कितने प्रोत्साहित कितना कुछ। मैं कुछ कहूँ, उससे भी पहले घाशीराम कोतवाल नाम का एक नाटक था, उसके पहले आशीष पाखरेती था, जिन दो नाटकों में, अगर ज़्यादा भी हो सकते हैं मुझे इन दो नाटक के बारे में पता है, वो किए थे, और उस तब ज़्यादा बॉन्ड हुआ, बाद में सामना और सिंहासन, और भी कुछ हो सकता है मुझे पता नहीं है। एक बात गौर से देखिए, तेंदुलकर
ने जिन फिल्मों का स्क्रीन पे यानी पटकथा लिखी है और वो फिल्में जो बन गई हैं, वो चाहे जब्बार पटेल ने बनाई होगी सामना सिंहासन उम्बरठा, बेनेगल ने बनाई है निशांत और मंथन, गोविंद जी ने बनाई है आक्रोश अर्धसत्य, केतन मेहता ने बनाई है वल्लभ भाई पटेल। तो जब तक तेंदुलकर उनके साथ थे उनकी फिल्में याद रहती हैं, जब तेंदुलकर नहीं थे वो फिल्में उनकी याद करना पड़ता है। तो उनका जो अंदाज था, ज्यादातर सिंहासन जो मुंबई दिनांक और सिंहासन दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, उससे निकालकर जो पटकथा लिखी गई है, जैसे उम्बरठा भी है, बेघर नाम की शांता मिश्र उनकी उपन्यास है, विच इज मोर लाइक केस हिस्ट्रीज, बहुत सारी केस हिस्ट्रीज है उसमें, तो उसको कन्वर्ट कर, ये जो ताकत थी उनकी, जैसे वो जीवन से थी वैसे किताबों से भी क्या निकाल के कैरेक्टर कैसे क्रिएट होता है, तो ये खासियत है। और ये मतलब ये सिखाना चाहिए लोगों को, पटकथा चीज़ क्या है, यू हैव टू स्टडी दिस नॉवेल फिर पटकथा फिर फिल्म देखनी। और एक बात तो हमेशा होती थी, मैं भी जानता हूँ वो भी जानते हैं थे, लिखने के बाद जब वो सौंप देते थे तो जैसे बच्चा सौंप देते हैं किसी के हाथ कि वो अब मुझसे अलग हो गया, अभी उसका क्या होने वाला है ये मैं जानता नहीं। और पर्सनल बारे में मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि काशीराम मैंने बहुत साल किया। पहले ज़माने में हिंदी में तो पता नहीं क्या आवड़ती रानी नावड़ती रानी, ये मराठी होती थी, हिंदी में होती थी क्या पसंद की रानी और नापसंद रानी, पूरी जो राजे थे की जो भी एक आवडती राणी असं एक नावडती राणी, तसं मी त्यांचा नावडता नाना होतो। उनके पसंद का नाना उन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो अंग्रेजी घासीराम हुआ था तब उन्हें उनके पसंद के नाना और घासीराम दोनों मिले थे। और ये जाहिर है क्योंकि जाहिर कहा था उन्होंने, क्योंकि शायद हमारा प्रोडक्शन जिस तरह हुआ था तो उनको लगा था कि जो घासीराम कोतवाल नाटक का टाइटल है उस पर केंद्रित है, तो शायद नाना ज़्यादा डोमिनेट हो गया पता नहीं। लेकिन मैं इससे वाकिफ था, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने, वो मुझसे हमेशा समझदारी से रहे, बहुत सराहा उन्होंने और सुना भी, ये उनके सामने मैंने भाषण किया है कि जब वो अध्यक्ष थे और मुझे बोलना था घासीराम को, तब मैंने कहा था। और मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि उनकी पसंद का घासीराम उन्हें मिल गया, लेकिन मैं पसंद का नहीं था इसलिए मुझे कुछ बुरा नहीं सहना पड़ा, वो हमेशा अच्छे ही थे मुझसे। एंड इन माई मेकिंग आई थिंक
there is a lot of unseen contribution by Tendulkar, Jabbar, उनके साथ मिले शाम देने का, और ये जैसा आप आगे चलते हैं तब समझ में आता है कि इन योर मेकिंग दिस पीपल सरेप्टिशियसली कम. आप जानते नहीं उसके साथ चलते हैं कि कहाँ से क्या आता है. वही तो कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपने फिल्म में देखा होगा तो ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाई यंग पीपल बिकॉज ही बिलीव दैट दैट वॉज देयर कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम्स. एक लता रविंद्र मनस्वी ने नाटक लिखा था सिगरेट्स, तो बहुत सारे जो पालक थे ललित कला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के वो बहुत नाराज़ हो गए कि ये क्या दिखा रहा है. तेंदुलकर वाज़ द ओनली पर्सन हु स्टूड बिहाइंड हिम सेइंग दिस इज द प्ले ऑफ देयर जनरेशन. तो ये समझ बहुत कम लोगों में होती है. तुमच्या प्रश्नाबद्दल म्हणूनच स्टोरी टेल सारख्या ॲपवरती ते करणं गरजेचं आहे, कारण आता जगभर हे अजगभर जातं ना, हे काही फक्त पुस्तक किंवा असं नाटक असेल पुस्तक असेल तुम्ही वाचण्यापेक्षा आता कितीतरी जगभरच्या मुलांना मराठी वाचता पण येत नसेल, पण त्यांना हे ऐकता येईल आणि त्यांना हे कळेल की असा एक कोणतरी लेखक मराठीमध्ये लिहिणारा होता. त्याच्यामुळे ऑडिओ ॲपवरती ही नाटकं येणं फारच महत्त्वाचं आहे आणि मग ती टिकतील पण खूप. म्हणजे असं नाही मला म्हणायचं की साहित्य म्हणून टिकणार नाही, पण ती टिकण्याची त्याची जी क्वालिटी किंवा त्याच्या टिकण्याचा जो गुण आहे तो ह्या त्याला ह्याच्या ह्या ॲप म्हणजे ऑडिओ बुकमुळे नक्कीच हातभार लागणार आहे. आता माध्यम खूप झाले, पुस्तक आधी ओरल होतं ना, गोष्टी सांगायचो मग गोष्टी लिहायला लागलो, मग गोष्टी रेडिओवर आल्या आणि मग त्या सिनेमात आल्या. बरोबर. मग आता सिनेमापासून परत आपल्या सुरुवात केली पाहिजे की या मुळात आल्या कुठून, हे सगळं मनातनं आलेलं आहे. जे मन तेंडुलकरांना जास्त कळलं ही माध्यमं झाली ना. टेक्नॉलॉजी जशी प्रगत झाली म्हणजे आता पूर्वी ज्या माणसाला लिहिता वाचता येत नाही तो तेंडुलकर कसा वाटणार, मग श्रुतिका होत्या तेंडुलकर, मग सिनेमा आले तेंडुलकर, कळायला. पण या दर या माध्यमात जाताना त्यातलं काहीतरी राहतं ते पकडणं महत्त्वाचं आहे आणि स्टोरी टेलमध्ये सुद्धा तो पकडण्याचा प्रयत्न झाला. हे जेव्हा मी ऐक